रुक करते हैं अब प्रदेश की ओर। जूनियर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में साई खेल छात्रावास बिलासपुर के नवराज चौहान ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। हंगरी में आयोजित 11 से 16 जून के बीच इस प्रतियोगिता में नवराज ने 3 मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी के साथ हुआ। नजदीकी फाइनल मुकाबले में नवराज 3-2 से हार गया। जूनियर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में साई खेल छात्रावास बिलासपुर के नवराज चौहान ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। हंगरी में 11 से 16 जून के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में नवराज ने 3 मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में नवराज चौहान ने मेजबान देश हंगरी के खिलाड़ी के साथ कड़ा संघर्ष किया, लेकिन इस नजदीकी मुकाबले में वो 3-2 से हार गया। वहीं देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद बिलासपुर पहुंचने पर नवराज चौहान का स्थानीय लोगों व व्यापार मंडल बिलासपुर ने जोरदार स्वागत किया। नवराज व साई खेल छात्रावास के कोच विजय नेगी ने बताया कि राष्ट्र स्तर पर मेडल जीतने के बाद नवराज को अंतर्राष्ट्रीय कैंप में चयन हुआ है, जिसके बाद वहां से भारतीय टीम के लिए चयन किया जाना था। रोहतक में लगे इस कैंप में भारतीय टीम के चयन के लिए नवराज चौहान का मुकाबला एसएसबी के साथ हुआ। एसएसबी की टीम को हराने के बाद चौहान का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ और हंगरी में खेलने के लिए गया। वहां भारतीय मुक्केबाजी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट राजेश भंडारी, हिमाचल के महासचिव सुरेंद्र शांडिल, साई होस्टल के प्रभारी जयपाल चंदेल सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतना उनके लिए गर्व की बात है। जहाँ मुझे सिल्वर मेडल मिला, मैं अपने कोच साहब और अपने दोस्तों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनकी वजह से ये हुआ है। ये नवराज चौहान एसटीसी बिलासपुर का छात्र रहा है। ये नेशनल हुआ था अभी पंजाब में, पंजाब से इसकी सिलेक्शन हुई थी नेशनल कैंप के लिए, और नेशनल कैंप लगने के बाद उनका वहाँ सिलेक्शन ट्रायल होता है। सिलेक्शन ट्रायल में इसने सर्विसेज को बहुत अच्छी स्कोर से इसने फाइनल राउंड निकाल लिया है, और उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो हंगरी के लिए हुआ था। हंगरी में जो चैम्पियनशिप हुई है ये 11 से 16 जून के मध्य हुआ है, और इसने फर्स्ट राउंड हंगरी को ही मात डाला था, और सेकंड राउंड जो सेकंड बाउट हुई थी वो भी यूएसए की, पता नहीं किसके साथ हुआ था, और जो फाइनल राउंड हुआ था वो भी हंगरी के हंगरी बी टीम के साथ ही लगा था। उसमें इसके साथ सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ।